आखिर कब आएगी हेरा फेरी 3? आएगी भी या नहीं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हेरा फेरी फ्रेंचाइज के फैंस बरसों से जानने के लिए बेताब हैं। हाल ही में ये खबर भी आई थी कि प्रिया दर्शन इस बार हेरा फेरी 3 डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसमें राजू, श्याम और बाबू भैया फिर से एक बार नजर आएंगे। लेकिन अब फिल्म मेकर प्रिया दर्शन ने हेरा फेरी 3 को लेकर जो ताजा बयान दिया है, उसे सुनकर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के फैंस हैरान रह जाएंगे। दरअसल मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया दर्शन हेरा फेरी 3 नहीं बना रहे हैं। इनफैक्ट वो इस फिल्म को बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। जी हाँ, अपने बयान में प्रिया दर्शन ने कहा, आई एम नॉट इन्वॉल्व विद हेरा फेरी 3। आई हैव टोल्ड द मेकर्स दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट आई मेड पार्ट 2 एज वेल, बट दैट 2 वाजंट माई फिल्म। बेशक प्रिया दर्शन का ये बयान फैंस का दिल जरूर तोड़ने वाला है, लेकिन क्या अब हेरा फेरी 3 को कोई और डायरेक्टर बनाएगा? जाहिर है कि अपने बयान में प्रिया दर्शन ने कहा है कि वो इस फिल्म को बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हेरा फेरी 3 डिब्बा बंद हो चुकी है, यानी उम्मीद की किरण अभी बची हुई है। खैर, आपको बता दें कि इसी के साथ प्रिया दर्शन ने यह भी खुलासा किया कि वो अक्षय कुमार के साथ जल्द एक कॉमेडी फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिस पर अभी काम चल रहा है। प्रिया दर्शन ने अपने बयान में कहा, To begin with, I was planning a serious film with Akshay till he pointed out that people would expect a comedy from us. We were to start in December, but now it will roll only around September next year. It will be produced by Akshay. चलिए हेरा फेरी 3 ना सही, प्रिया दर्शन अक्षय कुमार के साथ एक नई फिल्म तो जरूर ला रहे हैं, लेकिन अब इसी के साथ ये बात भी देखने वाली होगी कि हेरा फेरी 3 की कमान कौन सा डायरेक्टर संभालता है। वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि बॉलीवुड में वो कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जो हेरा फेरी 3 जैसी फिल्म बना सकता है।